इंडस्ट्री में कई सारी अभिनेत्रियां ऐसी हैं जो कि हमेशा ही लाइम टाइम में रहना पसंद करती हैं, पर कुछ अभिनेत्रियां ऐसी हैं जो कि लाइम टाइम से अपने आप को और साथ ही अपने पूरे परिवार को बचा कर रखने की पूरी कोशिश करती हैं। उन्हीं में से एक है टीवी इंडस्ट्री की बानी उर्फ सुरभि चांदना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस अभिनेत्री से हमेशा ही जनता खूब प्यार करती है और इस अभिनेत्री का हमेशा ही कोई भी धारावाहिक टीआरपी के मामले में नंबर वन पोजीशन पर आता है। पर वहीं आपको बता दें कि इस वक्त सुरभि चांदना के निधन की खबरें सोशल मीडिया पर बड़ी ही जोरों शोरों से आ रही हैं। बताया जा रहा है कि सुरभि चांदना का कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से पिछले हफ्ते उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। हालत गंभीर होने की वजह से आज सुबह उनका निधन हो गया है। सुरभि चांदना वैसे तो काफी समाज सेविका कही जाती थी और शायद इसी कारण से उनके निधन की खबरों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सुरभि चांदना का निधन हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि सुरभि चांदना टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री हैं और ऐसे में उनके निधन की खबरों ने हर एक घर में हलचल मचा दी है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ उनके निधन की पुष्टि न कोई बड़ा सेलिब्रिटी कर रहा है और न ही उनके परिवार की तरफ से कोई इसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आई है, जिससे ये साफ होता है कि सुरभि चांदना के निधन की खबरें झूठी और अफवाहों के तहत ही फैलाई जा रही है। दोस्तों अगर आप भी इस अभिनेत्री के फैन रह चुके हैं तो कॉमेंट में गेट वेल सून जरूर लिख दें, क्योंकि अभी तक उनके निधन की पुष्टि नहीं की गई है। हमारे इस वीडियो का बनाने का असली मकसद यही है। अगर आपने भी सुरभि चांदना के निधन की खबरों को देखा या सुना है तो उस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सुरभि चांदना हमेशा से ही लाइम टाइम में रहना पसंद नहीं करती थी और शायद यही वजह रही कि हेटर्स ने उन्हें ट्रोल करने का ये अजीब सा तरीका ढूंढा है। दोस्तों क्या कहना है आपको इस रिपोर्ट के बारे में, कॉमेंट के जरिए अपनी राय शेयर जरूर कर दें। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।